समन्वयात् तत्तु समन्वयात् ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ सूत्र के ऊपर विचार है। अभी तक तीन सूत्र हुए, तीन सभी सूत्र में एक एक अधिकरण है और ये इस अधिकरण में भी एक ही सूत्र है, ये भी एक ही अधिकरण। आगे एक अधिकरण में बहुत सारे सूत्र भी होते हैं। तो देखो, ये तृतीय सूत्र हुआ शास्त्र जनित्वात्, उसमें दो वर्णक हुआ। द्वितीय वर्णक में कहा गया कि जो है ब्रह्म प्रमाणांतर से, मतलब वेदांत से अतिरिक्त कोई भी प्रमाण हो, छह प्रमाण मानते वेदांति लोग, तो वेदांत से अतिरिक्त और पांच प्रमाण हो जाएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। किसी भी प्रमाण से ब्रह्म जानने योग्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है तम तु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद प्रमाण से ही जाना जा सकता है। इसके ऊपर पूर्व पक्ष हुआ कि तुम जो कहते हो इसमें हम सहमत नहीं हैं, ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु जो होगी तो केवल शास्त्र प्रमाण से क्यों जाना जाएगा, अन्य प्रमाण से भी जाना जा सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं। इसमें भी दो वर्णक है, तत्व समन्वयात में भी दो वर्णक, मतलब इस सूत्र को दो प्रकार से विचार करते हैं, दो विभाग करके, है ना। तो देखो, मैं अभी एक मैसेज भेजा हूँ ब्रह्मसूत्र के ग्रुप में, पीडीएफ का मैसेज भेजा हूँ, उसमें श्लोक है, अधिकरण सार का श्लोक। तो आपके हिंदी वाली पुस्तक में तो नहीं होगी, तीन टीका वाली पुस्तक में होती है, रत्न प्रभा में भी होती है, जिसके पास रत्न प्रभा है वो लोग भी देख सकते हो, है ना। और जिसके पास रत्न प्रभा नहीं है अथवा तीन टीका वाली नहीं है, वो लोग ये मैसेज को देखिएगा, मैं अभी जो भेजा हूँ ग्रुप में, उसमें चार श्लोक है। प्रथम वर्णक में दो श्लोक और द्वितीय वर्णक में दो श्लोक, इस प्रकार से है, देख लीजिए आप लोग। प्रथम श्लोक का उच्चारण कराता हूँ, जरूर देखिए तब समझ में आएगा। ये श्लोक को समझ लोगे तो आपको सार सार समझ में आ जाएगा कि सूत्र में क्या कहा जा रहा है, फिर आगे भाष्य चलेंगे। श्लोक देखिए, वेदांता कर्तृदेवा, वेदांता कर्तृदेवादि, दी तक जाएगा, वेदांता कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत, परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठानोपयोगित्वात्, अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकाः, कर्त्रादि प्रतिपादकाः। मिला क्या श्लोक आप लोगों को, राजू? हाँ, मिल गया ना, कहाँ पर देखा? ग्रुप। हाँ ठीक है, देखो ये प्रथम श्लोक हो गया। तो प्रथम श्लोक का समझे अर्थ, तो कहते हैं कि वेदांतः कर्तृदेवादि परः ब्रह्म परावृत, ये संशय हो रहा है। तो भी देखो, वेदांत का तात्पर्य, पर का अर्थ तात्पर्य, यहाँ पर वेदांत का तात्पर्य कर्तृदेवादि, जो जाग करता है यजमान, है ना, वो हो गया कर्ता, कर्ता के स्वरूप का कथन करने में
प्रतिपादन करने में तात्पर्य रखता है वेदांत। अतः देवता देवता हो गए, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, देवता को उद्देश्य करके, इसलिए देवता का क्या स्वरूप है, कर्ता का स्वरूप, देवता का स्वरूप, उसका प्रतिपादन करने में क्या वेदांत का तात्पर्य है, है ना। अच्छा, और आदि से ले लो सृष्टि का साधन, साधन को ले लो, अथवा ब्रह्म पराउत, क्या वेदांत का तात्पर्य कर्त्रादि के स्वरूप का प्रतिपादन में नहीं, परंतु ब्रह्म में। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म में तात्पर्य है, ये संशय हो गया भाई, इसका नाम हो गया संशय, है ना। तो जाग में जो हेतु है ना, जाग तो कर्त्रादि का ज्ञान होगा तब जाग होगा, जाग का अनुष्ठान में हेतुभूत जो कर्ता देवता आदि है, उसका प्रतिपादन में वेदांत का तात्पर्य है कि ब्रह्म में तात्पर्य है, समझ में ना। अच्छा, पूर्व पक्षी कहता है अनुष्ठान उपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकः वेदांतः, वेदांत तो कर्त्रादि का ही प्रतिपादन करता है, जजमान है, देवता है, उसका प्रतिपादक होते हैं वेदांत, क्यों अनुष्ठान उपयोगित्व, नहीं तो अनुष्ठान कैसे करेगा वो, है स्वयं कर्ता का ज्ञान होगा नहीं, भाई देवता का ज्ञान होगा नहीं, है ना, देवता का ध्यान करके उसका चिंतन करके तो कर्म करते हो ना, नहीं तो किसको फिर अर्पण करोगे, है ना, ये होता है, इसलिए देवता का ध्यान करो बोलते कि नहीं पंडित जी नहीं जानते तो पूछना चाहिए भी अमुक देवता कौन है ना, पूछने का फर्ज बनता है, जो जमान लोग जरूर पूछेगा वो देवता कैसा होता है क्योंकि देवता का भी विग्रह होता है, ये विचार आया, देवता अधिकरण में आएगा, विग्रहो हविषाम्भोग ऐश्वर्यम च प्रसन्नता फलदात्रित्वम इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम, ये विचार आता है, देवताओं का विग्रह होता है, देवताओं का जो है भोग भी होता है, देवता लोग भोग भी करते हैं, अभिशाम भोग हो, देवताओं का ऐश्वर्य भी होता है, देवता लोग प्रसन्न भी होते हैं, प्रसन्न होंगे तो फल भी देंगे, ये सब होता है, इसलिए देवता के स्वरूप का कथन करेगा वेदांत वाक्य, इसलिए अनुष्ठान में उपयोगी होने के कारण वेदांत का तात्पर्य तो कहाँ पर, कर्म में तात्पर्य है, कर्त्रादि का प्रतिपादन करते हुए, इसलिए वेदांत सफल है, प्रयोजन वाला भी है, अज्ञात का ज्ञापन भी किया, इसलिए प्रमाण भी हो गया, ये पूर्व पक्ष है, इसका समाधान है सिद्धांत बोलता है द्वितीय श्लोक में, भिन्न प्रकरणाद लिंग, भिन्न प्रकरणाद लिंग षट्काच्च ब्रह्मबोधकाः, षट्काच्च ब्रह्मबोधकाः सती प्रयोजनेनार्थ, सती प्रयोजनेनार्थ हानेनुष्ठानतोत्र किम्, हानेनुष्ठानतोत्र किम्। द्वितीय श्लोक है, द्वितीय श्लोक में पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है सिद्धांत की ओर से, सिद्धांती बोलते हैं, सिद्धांती है वेदांती, हम लोग सैद्धांती है, तो समाधान एक होता है भिन्न प्रकरणा, अरे भाई वेदांत तो वेदांत का प्रकरण भिन्न है, एकदम प्रकरण अलग ही होता है, अब प्रकरण के अनुसार ही शास्त्र के प्रतिपाद्य का निर्णय किया जाता है, क्या प्रकरण चल रहा है, ऐसा होता है, भाई लड़ाई चल रही है कि भोजन चल रहा है, उसके अनुसार ही जो है वो सैंधव शब्द का अर्थ होगा और क्या, पंगा चल रही है और बोल देगा सैंधव मनाया,
अरे सेंधव का अर्थ तो घोड़ा भी होता है कि नहीं? घोड़ा भी होता है और जो है नमक भी होता है। लेकिन भोजन चल रहा है, बोल जाए सेंधव माना है, तो सेंधव का अर्थ क्या होगा? घोड़ा होगा कि नमक होगा? नमक ही होगा ना, ऐसे होता है भी। इसलिए हम लोग राम रस बोलते हैं। भोजन चल रहा है, राम रस लाओ, तो राम रस क्या, राम जी को थोड़ी लाएंगे राम रस में नमक वहाँ पर होता है ना? तो शुरू में तो पता नहीं लगेगा, कुछ दिन आश्रम में रहोगे तो पता लगेगा राम रस क्या होता है ना? इसी बगैर वेदांत तो क्लास में बैठो, ब्रह्म सूत्र सुनो, तो फिर प्रकरण क्या चल रहा है पता लगेगा। भिन्ना प्रकरणात्, भिन्ना प्रकरण होने से देखो हेतु हो गया। पंचमी के एक वचन, लिंग षटकाच्च, और 6 प्रकार के लिंग होते हैं भाई, है ना? भिन्ना प्रकरणात्, त को ल हो गया, तोर ली संधि, संधि भी थोड़ा थोड़ा समझ लो। भिन्ना प्रकरणात् तकार है, आगे क्या है, लिंग का लकार है, तकार को लकार हो गया है ना? इले 2 लकार दिख रहे हैं। भिन्ना प्रकरणात् लिंग षटकाच, 6 प्रकार के लिंग होते हैं। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र क्या कहता है? वक्तुर इच्छा तात्पर्यम, है ना? श्रुति भगवती का क्या तात्पर्य है, इसको वहाँ क्या कहना चाहती है, मतलब है ना? इच्छा का विषय क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, उसको बोलते हैं तात्पर्य। तात्पर्य का निर्णय करने के लिए 6 प्रकार के लिंग होते हैं, उपक्रम उपसंहार आदि अभी बताएंगे, चिंता न करो। लिंगा षटकाच, 6 प्रकार लिंग होने के कारण 2 हेतु हो गया। भिन्न प्रकरण होने से वेदांत है भिन्न प्रकरण, कर्म के प्रकरण में नहीं है ये, और लिंग षटक, 6 प्रकार के लिंग होने के कारण ब्रह्मा बोधका, इसलिए वेदांत ब्रह्मा बोधका, ब्रह्म का ही बोध कराता है, मतलब ब्रह्म विषय ज्ञान का जनक है ना? ब्रह्म क्या है उसके स्वरूप का ज्ञान कराता है वेदांत, क्योंकि वेदांत प्रमाण है, प्रमाण से ज्ञान होगा, आपके चित्त में वृत्ति रूपी ज्ञान उत्पन्न होगा, ब्रह्म विषय ज्ञान है ना? अच्छा, और एक बात है, अरे भाई सिद्ध वस्तु का यदि ज्ञान होगा तो क्या फल मिलेगा? कोई फल तो है ही नहीं, पूर्व पक्षी ने कहा। ब्रह्म को जानने पर क्या फल मिलेगा? वो तो ब्रह्म को जानने पर कोई फल है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है। ऐसी बात नहीं है, सिद्ध वस्तु का ज्ञान से भी प्रयोजन सिद्ध होता है, अनर्थ की निवृत्ति होती है। जैसे मान लो कि रज्जु है, रज्जु मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, आपको सर्प का भ्रम हो गया, सर्प का भ्रम हो गया, भय भी हो रहा है भाग रहे हो, डर के मारे भाग रहे हो, हाँ, रस्सी का आपको ज्ञान हो गया, यम रज्जु, ये तो रस्सी ही है, देखो रस्सी तो पहले से है, ज्ञान होने से पहले भी रस्सी है कि नहीं? रस्सी तो ही हो, रज्जु का ज्ञान हो गया, सिद्ध वस्तु का ज्ञान हुआ, तो सिद्ध वस्तु का ज्ञान होने से अनर्थ की निवृत्ति हुई कि नहीं? अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है ना? भय की निवृत्ति हो जाती है, भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, सुख होता है कि नहीं? और गले में माला है मान लो, और दादी माँ को जाना है, बाराती में जाना है, और जो है ढूंढ रही है कि ये माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, आ करके पोता बता दिया तुम्हारे गले में तो माला है, तो माला है ये ज्ञान हो गया, उतने मात्रा से अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, जो दुख हो रहा था दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति तो होती है सिद्ध वस्तु के ज्ञान से। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म है सिद्ध, अब ब्रह्म है आनंद स्वरूप, विज्ञानम आनंदन स्वरूप, अयम आत्मा ब्रह्म, अपना स्वरूप तो आनंद स्वरूप है वो, है ना? अब उसका भ्रम हो गया, मैं तो ब्रह्मा से भिन्न हूँ मैं तो सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान से हो जाती है,
परमानंद की अनुभूति भी हो जाती है। ये बोलते हैं ये सती प्रयोजन है, वेदांत प्रमाण से होने वाला ज्ञान का प्रयोजन है, सती प्रयोजन है। प्रयोजन होने पर सती, सप्तमी का एक वचन सत का सती, प्रयोजन भी है और अनर्थ हारे अनर्थ की निवृत्ति भी हो रही है। अनर्थ है, अनर्थ है दुख बंधन उसकी निवृत्ति हो जाती है। अनुष्ठान तो अत्र किम, अरे तुम अनुष्ठान करोगे है ना, अरे ब्रह्म का ज्ञान होने पर यदि फल नहीं मिलता तब तो कुछ ना कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है ना जाग को जान लिया, जाग कैसे करना है, उतने से तो स्वर्ग नहीं मिलेगा ना, अनुष्ठान करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म को जान लिया तो क्या करना पड़ेगा अरे माला है गले में, माला यार भूल गए हो, माला को जान लिया अब क्या करना पड़ेगा, योगासन थोड़ी करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। माला की, माला का ज्ञान हो गया तो माला की प्राप्ति हो गई और कुछ करना नहीं पड़ता है, है कि नहीं। जो अज्ञान से प्राप्त है उसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है, और प्राप्ति भी ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है वो प्राप्ति की प्राप्ति होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ज्ञान ही चाहिए बस। ये बोलते अनुष्ठान तो अत्र किम, कर्म का अनुष्ठान क्यों हो करेगा अभी, वो समझ में ना, ये बोलते अच्छा द्वितीय वर्णक में देखो तृतीय श्लोक, प्रतिपत्तिम विदित संते, प्रतिपत्तिम विदित संते ब्रह्मण्यवसिता उत, ब्रह्मण्यवसिता उत शास्त्रत्वाते विधातारो, शास्त्रत्वाते विधातारो मननादेश कीर्तनात्, मननादेश कीर्तनात्। देखो तृतीय श्लोक, ये द्वितीय वर्ण का भी सूत्र का कहते प्रतिपत्तिम विदित संति, ये जो आपके वेदांत वाक्य है, प्रतिपत्ति है उपासना, आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा की उपासना करे। ये देखो प्रतिपत्ति का नाम है यहाँ पर उपासना, उपासना का विधान करते हैं वेदांत वाक्य आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि आत्मा वारे द्रष्टव्य ये सब, अथवा ब्रह्मणी अवसिता उत, अथवा ब्रह्म में तात्पर्य है वेदांत का, ब्रह्म का ज्ञान करने में, ब्रह्म का ज्ञान करने में तात्पर्य है कि उपासना में, ये कहते हैं ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है शास्त्रत्वाते विधातार, अरे भी वेदांत भी तो शास्त्र है, वेदांत तो शास्त्र है ना, हित का शास्त्र है तो फिर क्या है, अज्ञात का ज्ञापन करेगा वो विधान करते हैं, शास्त्र उसी को बोलते हैं, प्रवृत्ति प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा है, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, ये ना उपदेश तथा शास्त्रम, इसको कहते हैं शास्त्र, प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्य न कृतिक वा है ना, ये शास्त्र होता है। विधातार मननादेश कीर्तना, देखो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा का ज्ञान तो श्रवण मात्र से हो जाएगा है, श्रवण मात्र से तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, फिर आगे मंतव्य निधिध्यासितव्य फिर क्यों कहा है। तो पूर्व पक्ष कहता है ये सब उपासना के लिए, परमात्मा के स्वरूप को पहले जानो शास्त्र का श्रवण से, फिर उसके उसका क्या करो, चिंतन करो उपासना करो, ये उपासना का विधान करते हैं। मंत मननादेश कीर्तना, मनन करो निध्यासन करो, मनन निध्यासन से उपासना को समझना चाहिए, क्योंकि श्रवण का विधान करके है ना, फिर आगे मनन निध्यासन का कर दिया, ये किस लिए कहा, उपासना के लिए, ये बोलता है पूर्व पक्षी है ना। सिद्धांत बोलता है चौथा श्लोक में,
ना कर्तृतंत्रेस्ति विधि शास्त्रत्वं संसनात् अपि शास्त्रत्वं संसनात् अपि मननादेहे पुरा बोधात् मननादेहे पुरा बोधात् ब्राह्मण्यवसितास्ततः ब्राह्मण्यवसितास्ततः। देखो भाई, बोलते हैं कि विधि ही अकर्तृतंत्रे न अस्ति, ऐसा लेना है ना। देखो, विधान जो होता है ज्ञान में नहीं होती है, विधि विधि ज्ञान में नहीं होती है, समझ में ना, क्योंकि ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं होता है। ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है, ज्ञान तो प्रमाण के अधीन होता है। वस्तुतंत्रम भवेत ज्ञानम, कर्तृतंत्रम उपासनम, पंचदशी में कहा गया है। ज्ञान में विधि नहीं होती है। चक्षु का संबंध हो गया सामने घट के साथ, ज्ञान तो होगा ही होगा। मन एकाग्र हो, चक्षु का संबंध हो गया हो घट के साथ, तो ज्ञान तो होगा ही होगा। या ज्ञान आपके अधीन नहीं होता है, हम चाहे तो हमको ज्ञान होगा, ना चाहे तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना। संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुराधिना, कुमारिल कहते हैं ना, संबंध हो गया मतलब प्रमाण है, वस्तु है, तो ज्ञान तो होगा ही होगा। फिर ज्ञान में विधि नहीं होती, क्यों नहीं होती, कर्ता के अधीन नहीं होता है ना। ज्ञान प्रमाता के अधीन नहीं होता है, यद्यपि प्रमाता को ज्ञान होगा लेकिन ज्ञान प्रमाता के अधीन नहीं होता है ना। ये बोलते हैं अकर्तृतंत्रे अस्ति न विधि, है ना। हाँ, ऐसा बोलते हैं। शास्त्रत्वम संसनादपि, और वेदांत को शास्त्र क्यों कहते हो? ऐसा नहीं कि प्रवृत्ति के लिए विधान किया, निवृत्ति के लिए विधान किया तब जाकर के शास्त्र होगा, ऐसी बात नहीं शास्त्र तो इसी से हो जाता है। शास्त्रत्वम संसनात् अपि, हित वस्तु का बोध कराने से, हित वस्तु का कथन करने मात्र से शास्त्र हो जाता है। संसनात् मतलब हित शासन, हित शासन, हित का उपदेश करने मात्र से शास्त्र हो जाएगा, ये बोलते हैं। जैसे कह दिया दशम स्तम से अरे तुम दशमा हो और क्या, तुम जानते, ये कथा तो जानते हो। जो व्यक्ति, वो जिस व्यक्ति को भ्रम हो रहा है कि एक व्यक्ति बह गया गंगा जी में, और उसको बोल दिया कि तुम तो दशमा हो, मैं दशमा हूँ, उनको ऐसे ज्ञान नहीं है। अरे कोई महापुरुष कह दिया तुम दशमा हो, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ता, ये भी शास्त्र हुआ, ये भी उपदेश हुआ ना। ये करो, ये ना करो, केवल इतने को शास्त्र कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं। तुम दशमा हो, इसको भी शास्त्र वाक्य कहा जाएगा, है कि नहीं, ये भी शब्द प्रमाण है। इतने मात्रा से ज्ञान ज्ञान हो जाएगा कि मैं दशमा हूँ, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है कुछ करना नहीं पड़े, दशम तो स्वयं है ही वो दशमा व्यक्ति। तो दशमस्तमसी यह वाक्य जैसे सफल होता है, दशमत्व ज्ञान का ज्ञान करा करके, ठीक इसी प्रकार से तत्तमसी, है ना। तो ये भी वाक्य, इस प्रकार वाक्य भी ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा करके ये शास्त्र वाक्य हो जाता है। चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति न हो, प्रवृत्ति निवृत्ति न होने पर भी शास्त्र होता है। शास्त्रत्वम संसनात् अपि, और मननादेश्च पुरा बोधात् ब्रह्मणि अवसितास्ततः, और श्रवण के बाद मनन निध्यासन, ये क्यों कहा गया? देखो, शब्दबोध के पूर्व अहमसि परब्रह्म, ये ज्ञान होना है, मेरा स्वरूप तो ब्रह्म ही है। इसको कहते हैं शब्द बोध, है ना। शब्द बोध होने से पहले असंभावना जो असंभावना जो दोष है, विपरीत भावना जो दोष है, उसकी निवृत्ति करनी होती है ना उसकी निवृत्ति करनी होती है ना। इसलिए मनन का विधान कर दिया,
निध्यासन का विधान कर दिया है। तो असंभावना की निवृत्ति, विपरीत भावना की निवृत्ति मनन निध्यासन से होती है। ज्ञान तो श्रवण से हुआ, आत्मावरे द्रष्टव्य है, आत्मा को जानना चाहिए, ऐसा कह करके तीनों साधन का विधान कर दिया, श्रवण मनन और निध्यासन। ये श्रवण होता है अंगी और मनन निध्यासन होता है अंग, समझ में ना। मनन निध्यासन जो है असंभावना दोष की निवृत्ति, विपरीत भावना दोष की निवृत्ति करने से फिर जो है ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, ये बोलते हैं, है ना। पूरा बोधात सावधबोध होने से पहले मननादे, मननादि का विधान होता है भी, इसलिए ब्रह्मणी अवसिता स्थित है। इसलिए संपूर्ण वेदांत वाक्य का तात्पर्य तो अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराने में है, उपासना में तात्पर्य नहीं है, ये बोलते हैं, है ना। हाँ, उपासना परक वाक्य का तो है ही, जो वेदांत में अधिकारी नहीं है, मुख्य अधिकारी नहीं है, उसके चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना होती है, अथवा जो ब्रह्मलोक जाना चाहता है, क्रम मुक्ति चाहता है, उसके लिए उपासना भी होती है, ये है इसका तात्पर्य। चलो आगे भाष्य देखो भाई, तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत, ये हो गया। तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, ये तत् कह दिया ना, तत् और फिर ब्रह्म का ब्रह्म शब्द की अनुवृत्ति लाओ प्रथम सूत्र से, और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो ब्रह्म, वो तो वेदांत प्रमाण से ही जाना जाता है, समझ में ना। फिर क्यों कथम बोल दिया, कथा में हेतु पूछा, ब्रह्म वेदांत प्रमाण से ही जाना जाता है, ये जो आप कहते हो इसमें क्या प्रमाण है बताओ, कोई प्रमाण तो बताना चाहिए ना, हेतु बताना चाहिए, कथम पूछ रहा है तो बोलते हैं कि जो है समन नया उत्तर दिया है, थोड़ी टीका है देखो, पूर्व पक्षी कर्कश आशय पूछते, कर्कश रूप से आशय पूछ रहा है कि तुम जो कहते हो वेदांत प्रमाण से ही ब्रह्म जाना जाता है, ये कैसे हो सकता है, कुत प्रकारात, कथम का अर्थ है कुत प्रकार, किस प्रकार से आप कहते हो कि ब्रह्म वेदांत प्रमाण से ही जाना जा सकता है। टीका में दिया, सिद्धांते स्वपक्षे हेतु प्रकार भेदम आह समन्वय, सिद्धांत है वेदांती, स्वपक्ष अपने पक्ष में हेतु प्रकार भेदम, हेतु जो प्रकार विशेष, प्रकार भेद का प्रकार विशेष वो दे रहा है समन्वया ये अंतिम पद हो गया समन्वयात, पंचमी का एक वचन है राम का रामत, समन्वय का समन्वयात। समन्वय क्या है भाई, सम्यक अन्वय इति समन्वय, ये देखो सम्यक अन्वय, अन्वय क्या होता जानते, सम्यक अन्वय को बोलेंगे समन्वय, है ना। बोलते हैं कि देखो अन्वय क्या होता है, अन्वय होता है तात्पर्य विषयत्व, तात्पर्य का विषय को बोलते हैं अन्वय तात्पर्य के विषय को बोलते हैं अन्वय, और तात्पर्य का सम्यक्त्व क्या है, सम उपसर्ग लगा दिया ना, अन्वय का अर्थ हो गया तात्पर्य विषय, और सम उपसर्ग लगा दिया, सम का अर्थ है सम्यक, बोले तात्पर्य में सम्यक्त्व क्या है, अखंडार्थ विषयकत्व ये है, अखंडार्थ विषयकत्व, अखंड अर्थ को विषय करता है वेदांत वाक्य, इस बात को सूचित करने के लिए समन्वय में साम उपसर्ग हुआ, साम पद हुआ, ध्यान में ना, ये ध्यान में रखना है ना, ऐसा होता है। इसलिए अखंड जो ब्रह्म है
जिसमें किसी प्रकार का खंड विशेष भेद है ही नहीं, उसको बोलते हैं अखंड ब्रह्मा, है ना। गुण क्रिया जाति संबंध कुछ है ही नहीं भी जिसमें, इसको कहते हैं अखंड ब्रह्मा, है ना। अखंड ब्रह्म ही वेदांत का विषय है। वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान होता है ऐसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, और ऐसे ब्रह्म में ही वेदांत का तात्पर्य होता है, और उसको कहते हैं तात्पर्य का विषय, है ना। और वही होता है वाक्य का विषय। देखो जिस वाक्य का तात्पर्य जिसमें होगा वो होता है उस वाक्य का विषय, है ना, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कर्मकांड हो गया, कर्मकांड का जो वाक्य होता है उसका विषय कौन है, धर्म, लेकिन अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, क्योंकि धर्म में ही तात्पर्य होता है कर्मकांड का, जिस धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। इसलिए कर्मकांड का विषय होता है धर्म, जिस वाक्य का तात्पर्य जिसमें है वह तात्पर्य होता है उस वाक्य का विषय, धर्म, ये व्याप्ति बनती है। यो यत वाक्य तात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय, ऐसा वेदांत लोग कहते हैं, ठीक है ना। वेदांत वाक्य का तात्पर्य तो ब्रह्म में है, इसलिए ब्रह्म ही वेदांत वाक्य का विषय होता है। अब ब्रह्म है अखंड ब्रह्म होता है, अखंड मतलब असंस्पृष्ट, असंश्रिष्ट, जिसका संबंध किसी के साथ है ही नहीं। साक्षी का संबंध न शरीर के साथ, न मन के साथ, न इंद्रिय के साथ, किसी के साथ है ही नहीं। असंगो ही अयम पुरुषः, समझ ना, ये होता है। जैसे अखंड वाक्य होता है संसर्गा गोचर प्रमिति जनकत्तम, इसको बोलते अखंड वाक्य भी, चिस्सुकी आदि में विचार आता है संसर्गा गोचर प्रमिति जनकत्तम, अखंड वाक्यत्तम। जैसे व्यवहार में भी होता है, जैसे कह दिया प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः, कोई पूछा कि चंद्रमा कौन है, आकाश में देखा तो द्वितीय द्वितीय प्रतिपद क्या बोलते हैं, द्वितीय चंद्रमा नहीं दिखी दे रही, द्वितीय तिथि के छोटी दिखती है चंद्रमा, इसलिए पूछेगा कि वो चंद्रमा कौन है, ओ देखो प्रकृष्ट प्रकाश, ऐसे बोल दिया। जो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, जो पूछने वाले का जैसा अभिप्राय है ना ऐसा ही उत्तर देना चाहिए, नहीं तो पूछ रहा है दूसरा, उत्तर दे रहा है दूसरा, ऐसा नहीं होता है ना। जो अभिप्रेत जो प्रश्न होता है ऐसे ही उत्तर दिया जाता है, ये पूछ रहा है कि चंद्रमा कौन है, बस इतना ही पूछ रहा है। प्रातिपदिक जो चंद्रमा है, प्रातिपदिक शब्द जो चंद्रमा है उसका क्या अर्थ है, ये नहीं पूछ रहा है कि चंद्रमा कितने दूर है, कैसा है, ये नहीं पूछ रहा है। समझ में ना, तो केवल इतना पूछा है कि वो चंद्रमा कौन है, उत्तर भी ऐसे ही देना चाहिए, है ना, ऐसे ही देना चाहिए। फिर कौन है, प्रकृष्ट पसा, प्रकृष्ट प्रकाश जो दिखाई दे रहा है वही है चंद्रमा, इसको कहते हैं अखंड वाक्य। ठीक इसी प्रकार से है ब्रह्म का तात्पर्य, जैसे नचिकेता ने पूछा भाई, नचिकेता ने जैसा पूछा जमराज ने भी उत्तर ऐसे ही दिया। क्या पूछा नचिकेता, यही तो पूछा ना कि जो है अन्यत्र धर्मान अन्यत्र अधर्मान अन्यत्रस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। देखो अखंड ब्रह्म के विषय में पूछा छोटा सा बालक, उत्तर भी ऐसे ही दिया जमराज ने। अखंड आत्मा का बोध कराया, है ना, ऐसा होता है भाई। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।